नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में प्रथम प्रश्न पत्र और उसमें हम पढ़ रहे हैं ऋग्वेद के कुछ देवताओं की स्तुति वर्णन और जिसमें आज हम पढ़ेंगे इंद्र देवता। और इंद्र देवता जो द्वितीय मंडल के बारहवें सूक्त में स्तुयमान है, जिसकी स्तुति की गई है, और ऋषि हैं ग्रस्मद। छोटे छोटे प्रश्नों में पूछ लेते हैं विद्यार्थियों, ध्यान रखना। और इस देवता की स्तुति में जो मंत्र हैं विद्यार्थियों, वे कितने मंत्र हैं? 15 मंत्र हैं, आपको ध्यान रखना है। कितनी संख्या है मंत्रों की? 15 मंत्र हैं, आपको ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब देखिए, ऋषि जो ग्रस्मद हैं वे इंद्र देवता की स्तुति करते हुए क्या कहते हैं कि यो हत्वा हिम अरेणात सप्त सिंधून यो गा उदाजद अपदा बलस्य यो अस्मनुर अग्निम जजन संब्रक समस्सु स जनासह इंद्रः। कि स माने वह जनासह हे मनुष्यो, इंद्रः इंद्र देवता है। क्या कहते हैं? स जनासह इंद्रः, कि हे मनुष्यो वह इंद्र देवता है। कौन सा इंद्र देवता है? यो माने जिस देवता ने, हत्वा माने मार करके, अही नामक एक राक्षस था, अही नामक राक्षस को अरिणात कहते हैं, बहाया सप्त सिंधुन सात धाराओं को, सात नदियों को। क्या कहा? यो हत्वा अहिम अरिणात सप्त सिंधुन, कि जिस देवता ने अहि नामक राक्षस को मार करके सात सिंधुओं को बहाया, सात धाराओं को बहाया, स जनासह इंद्रः, कि हे मनुष्यो वही देवता कौन है? इंद्र है। फिर देखिए क्या कहते हैं कि यो गा उदाजद अपधा बलस्य। उदाजद कहते हैं विद्यार्थियों निकाला, और अपधा कहते हैं गुफा से। क्या कहा? कि यो माने जिस देवता ने, गा माने गायों को, उदाचद माने बाहर निकाला, अपधा माने गुफा से, बलस्य माने बल नामक राक्षस की गुफा से, जिस देवता ने गायों को बाहर निकाला वह इंद्र है। क्या कहा? कि यो गा उदाचद अपधा बलस्य, कि जिस देवता ने गा माने गायों को, उदाचद माने बाहर निकाला, अपधा माने गुफा से, बलस्य माने बल नामक राक्षस की गुफा से, जिस देवता ने गायों को बाहर निकाला, स जनासह इंद्रः, कि हे मनुष्यो वह कौन सा देवता है? इंद्र देवता है। फिर देखिए क्या कहते हैं, यो माने जिस देवता ने अस्मनोर अंतर, अस्म कहते हैं विद्यार्थियों पत्थर को, कि अस्मनोह पत्थरों के अंतर माने बीच में, अग्नि जजान अग्नि को उत्पन्न किया। क्या कहते हैं? यो अस्मनोर अंतर अग्नि जजान, कि जिस देवता ने पत्थरों के बीच में अग्नि को उत्पन्न किया, यो अस्मनोर अंतर अग्नि जजान, कि जिस देवता ने पत्थरों के बीच में अग्नि को उत्पन्न किया, सम्रक समत्सु, समत्सु कहते हैं युद्ध भूमि में, सम्रक कहते हैं मारने वाला है, स जनासह इंद्रः, कि हे मनुष्यो वह इंद्र देवता है। क्या कहते हैं? कि यो हत्वा अहिम अरिणात सप्त सिंधुन, कि जिसने अहि नामक राक्षस को मार करके सात धाराओं को अथवा सात नदियों को बहाया, यो गा उदाजद अपदा बलस्य, कि जिसने गायों को बल नामक राक्षस की गुफा से बाहर निकाला, यो अस्मनोर अंतर अग्निम जजान, जिसने पत्थरों के बीच में अग्नि को उत्पन्न किया, और सम्रक समस्तु, और जो युद्ध भूमि में मारने वाला है, स जनासह इंद्र,
कहे मनुष्यो, वह इंद्र देवता है। क्या बताया कि ये मनुष्यो वह इंद्र देवता है। क्या कहते हैं, जिस इंद्र ने वृत्रासुर नामक सर्प को मारकर सात नदियों अथवा जलधाराओं को बहाया, जिसने बल नामक राक्षस को मारकर उसकी गुफा से गायों को छुड़ाया अर्थात गायों को बाहर निकाला, जिसने दो पत्थरों के बीच में अग्नि को उत्पन्न किया और जो संग्राम में शत्रुओं को मारने वाला है, हे मनुष्यो वह इंद्र है। अब देखिए आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। क्या लिखेंगे, व्याकरण टिप्पणी। तो अब व्याकरण टिप्पणी में विद्यार्थियों आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप हत्वा। क्या लिखेंगे, पहली व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे आप, चलो वहां से लिख लेते हैं हम, कि स। आप लिखेंगे तद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, फिर दूसरा लिखेंगे आप जनासह, आप लिखेंगे जन शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और फिर देखिए आप लिखेंगे इंद्र और आप इंद्र में लिखेंगे आप इदि, धातु है प्लस र प्रत्यय, और उसके बाद आप लिखेंगे हन, आप लिखेंगे हत्वा, आप लिखेंगे हन धातु प्लस त्वा प्रत्यय। इसके बाद पांचवा लिखेंगे विद्यार्थियों आप अपधा, आप लिखेंगे अप उपसर्ग धा धातु अंग प्रत्यय। फिर उसके बाद आप लिखेंगे संब्रक, आप लिखेंगे सम उपसर्ग ब्रज धातु प्लस क्विप प्रत्यय। फिर सातवां है असमनोह, अस धातु प्लस मनिन प्रत्यय। फिर आठवां है उदाजद, और उदाजद में लिखेंगे आप उत उपसर्ग अज धातु
लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, ये जो तीन व्याकरण टिप्पणियां हैं ये एक मंत्र को छोड़कर के सब में काम आएंगी, ये आपको ध्यान रखनी है। और जो विशेष लिखा चुका हूं वह विशेष भी सब में काम आ जाएगा। अब देखिए फिर क्या कहते हैं इंद्र देवता का वर्णन करते हुए ऋषि कि ये ने मा विश्वा चबना कृतानी यो दासम वर्णम अधरम गुहा का स्वग्नि यो जगीवान लक्षम आदार्य पुष्टानी सजनासह इंद्रहा। देखिए कि येन इमा विश्वा के येन माने जिस देवता के द्वारा, इमा माने ये, विश्वा यानी संपूर्ण लोक, च्यवना कृतानी, च्यवना कहते नस्वर, कृतानी माने कर दिए, कि येन इमा विश्वा च्यवना कृतानी, कि येन माने जिस देवता के द्वारा इमा विश्वा ये संपूर्ण लोक च्यवना कृतानी नस्वर कर दिए। और यो दासम वर्णम कि यह माने जिस देवता ने दासम वर्णम जो दास वर्ण था उसको अधरम गुहा कहा, कि अधरम माने अपने नियंत्रण में करके गुहा अकह गुफा में बंद कर दिया। क्या कहा कि यो दासम वर्णम अधरम गुहा कहा कि यह माने जिस देवता ने दासम वर्णम दास वर्ण को अधरम अपने वश में करके गुहा कहा गुफा में बंद कर दिया। स्वग्नि इव, स्वग्नि इव कहते हैं ज्वारी के समान, जैसे कोई ज्वारी होता है उसके समान। यो जिगीवान लक्ष्मादर्दर्यः पुष्टानि कि स्वग्नि इव ज्वारी के समान, जैसे ज्वारी जब जुआ खेलता है और जब वह जीत जाता है तो जो प्रतिपक्ष होता है उसकी संपूर्ण धन संपत्ति को हर लेता है, उसी प्रकार से। तो क्या कहा कि स्वग्नि इव ज्वारी के समान, यो जिगीवान, यो माने जो, जुगीवान जीते हुए ज्वारी के समान, लक्ष्म जो पासी लगाता है, आददत अर्यह, आददत माने छीन लेता है, अर्यह माने शत्रु की, पुष्टानी माने समृद्धि को, स जना स इंद्रह कि हे मनुष्यो वह इंद्र है। क्या कहा कि जिसने संपूर्ण पदार्थ नश्वर कर दिए हैं, जिसने दास जाति को बस में करके गुफा में बंद कर दिया है,
जो दाव पर लगे धन को जीतने वाले ज्वारी के समान शत्रु की समृद्धि को नष्ट कर देता है या हर लेता है। हे पुरुषो, वही इंद्र है। क्या कहा है कि येन इमा विश्वाचवनाकृतानि, विश्व का मतलब होता है संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण पदार्थ। कि येन इमा विश्वाचवनाकृतानि, कि येन माने जिस देवता के द्वारा, इमा माने ये, विश्वा माने संपूर्ण सृष्टि के पदार्थ, चेवना माने नश्वर, कृतानि माने कर दिए। कि जिस देवता ने इस सृष्टि के संपूर्ण पदार्थ नश्वर कर दिए, यो दासम वर्णम अधरम गुहा, कहा कि यह माने जिस देवता ने दासम वर्णम, दास वर्ण को अधरम अपने बस में करके गुहा अतः गुफा में बंद कर दिया। स्वग्निव यो जिगीवान लक्षम, कि स्वग्निव ज्वारी के समान जो लक्ष्य पासे खेलता है, जुआ खेलता है, ऐसा ज्वारी, उस ज्वारी के समान जब वह जीत जाता है तो दूसरे आदमी की संपत्ति को भर लेता है, उसी प्रकार से अर्यह जो शत्रु होते हैं, जो राक्षस होते हैं, पुष्टानी उनकी समृद्धियों को जो हर लेता है, स जना सह इंद्रः, के हे मनुष्यो, वह इंद्र देवता है। क्या बताया कि जिस देवता ने संपूर्ण सृष्टि को नश्वर कर दिया, जिसने दास वर्ण को अपने बस में करके गुफा में बंद कर दिया, और जो जीते हुए ज्वारी के समान शत्रुओं की समृद्धि को हर लेता है, अपने हाथ में ले लेता है, ऐसा जो देवता है वह इंद्र देवता है। अब देखिए हम इसकी क्या करेंगे, व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे, और जो व्याकरण टिप्पणी होती है विद्यार्थियों, वह व्याख्या का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है। देखिए अब आपको ये तीन जो हैं, ये तो आपको लिखने ही लिखने हैं, इसके बाद क्या लिखेंगे, ये नेमा, क्या लिखेंगे, ये नेमा, आप लिखेंगे येन प्लस इमा, गुण संधि, पांचवा है च्यवना, आप लिखेंगे च्यु धातु, ल्युट प्रत्यय, फिर लिखेंगे छठवां में लिखेंगे आप गुहा, आप लिखेंगे सप्तमी विभक्ति, एक बचन, सातवां है जिगीवान, आप लिखेंगे जी जय धातु से क्वसु प्रत्यय, और आठवां है
स्वग्नि। आप लिखेंगे स्व प्लस हन धातु आप नौमा लिखेंगे पर्या आप लिखेंगे परिशब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन और फिर लिखेंगे आप पुष्टानि आप लिखेंगे पुष धातु प्लस का प्रत्यय ठीक है विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों आगे वाला जो मंत्र है उसमें ऋषि गृहस्मत क्या कहते हैं कि यम इस्मा प्रच्छन्ति क्वह सेति घोरम उतेम आहुर न एषो अस्ति इति एनम सो अर्ह पुष्टिर विजय एवान एवामिनाति श्रद्धास्मै धत्त स जनासह इन्द्रः के हे मनुष्यो वह इंद्र है कौन सा इंद्र है कि यम माने जिसके विषय में जिसको इस्मा प्रच्छन्ति पूछते हैं क्वह सेति घोरम कि वह भयंकर वह शत्रुनाशक कहाँ है यह इस्मा प्रच्छन्ति जिसके यम इस्मा प्रच्छन्ति जिसके विषय में पूछते हैं जिसको पूछते हैं वह कहाँ है सेति घोरम कि वह घोर वह भयंकर वह शत्रुनाशक इंद्र देवता कहाँ है उत एमावा एसो अस्तिति न एसो अस्तिति और कुछ ऐसे हैं जो इस इंद्र देवता के विषय में कहते हैं कि वह इंद्र देवता है ही नहीं क्या कहा उत एम आहुर न एसो अस्तिति और कुछ इसके विषय में कहते हैं कि वह इंद्र देवता है ही नहीं और सह अर्यः कि वह इंद्र देवता शत्रु की पुष्टिर विजय वामिनाति कि क्षोभकारी के समान ग्रहण कर लेता है कि जो पुष्टि पुष्टि कहते हैं जो समृद्धि होती है उसको विजय एव क्षोभकारी के समान आमिनाति ग्रहण कर लेता है श्रद्धास्मय धत्त उस इंद्र देवता में श्रद्धा रखिए स जनासा इंद्र
कहे मनुष्यो, वह इंद्र देवता है। क्या कहा? यम इस्मा प्रच्छन्ति क्वह सेति घोरम, कि जिस इंद्र देवता के विषय में यह पूछते हैं कि वह भयंकर इंद्र देवता कहाँ पर है, उत एम आउर न एसो अस्तीति, कि कुछ लोग ये कहते हैं कि वह इंद्र देवता है ही नहीं, और सो अर्या पुष्टिर विजय वामिनाति, कि वह शत्रु की समृद्धि को विजय झोपकारी के समान हर लेता है। सद्धस्मय दत्त, कि हे मनुष्यो उसमें श्रद्धा रखिए। स जना सह इंद्र, कि हे मनुष्यो वह इंद्र देवता है। देखिए क्या कहते हैं कि वह कहाँ पर है। इस प्रकार से कुछ लोग जिस भयंकर इंद्र के विषय में पूछते हैं और यह है ही नहीं, ऐसा भी कुछ लोग इस सर्वव्यापक इंद्र देवता के विषय में कहते हैं। वह इंद्र देवता अपने शत्रुओं की संपत्ति को क्रुद्ध हुए के समान पूर्णतया छीण कर देता है, हर लेता है। और उस इंद्र देवता पर श्रद्धा रखो, हे मनुष्यो वही इंद्र है। क्या कहा? कि यम इस्मा प्रच्छन्ति क्वह सेति घोरम, कि कुछ लोग उस भयंकर शत्रु नाशक इंद्र देवता के विषय में पूछते हैं कि वह कहाँ पर है, और उत एम आउर न एसो अस्तीति, और कुछ लोग ये कहते हैं कि वह इंद्र देवता है ही नहीं। सो अर्यः पुष्टिर विजय मामिनाति, कि वह शत्रु की समृद्धि को उसी प्रकार से नष्ट कर देता है जिस प्रकार से विज कर देता है। विज कहते हैं क्षोभकारी, क्रोध वाला। श्रद्धस्मय दत्त, के उस इंद्र देवता में श्रद्धा रखिए। स जनासह इंद्र, के हे मनुष्यो वही इंद्र देवता है। अब देखिए आप इसमें लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी है विद्यार्थियों, और व्याकरण टिप्पणी में आप लिखेंगे, देखिए ये जो तीन व्याकरण टिप्पणी है, सह जनास और इंद्र, ये तो प्रत्येक मंत्र में है, एक मंत्र में नहीं है, बस 15 में से 14 मंत्र में है, तो आपको ये याद कर लेना है। अब देखिए एक है प्रच्छन्ति, आप लिखेंगे प्रच्छ धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, उसके बाद दूसरा पांचवा है देखिए कुह, आप लिखेंगे किम प्लस हा, वैदिक प्रत्यय है ये। छठवां है सेति, आप लिखेंगे स प्लस इति, और आप लिखेंगे गुण संधि। सातवां है अर्यः, आप लिखेंगे अरि शब्द षष्ठी विभक्ति, एक वचन, फिर आठवां है पुष्टिः, आप लिखेंगे पुष धातु
प्लस कितिम प्रत्यय। और फिर देखिए मिनाती आप लिखेंगे मिया हिंसायाम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं कि यो रुद्रस्य चोदिता यह कृशस्य यो ब्रह्मणो नादमानस्य कीरे युक्त ग्रामणो यो अविता सुसिप्रह सुत सोमस्य स जनासह इंद्रह। क्या कहते हैं देखिए कि यो माने जो देवता रुद्रस्य कहते हैं समृद्ध व्यक्ति का, चोदिता प्रेरक है प्रेरणा देने वाला है। क्या कहा यो रुद्रस्य चोदिता कि जो रुद्रस्य जो धन समृद्ध व्यक्ति के चोदिता प्रेरणा देने वाला है, यो रुद्रस्य चोदिता कि जो समृद्ध व्यक्ति को प्रेरणा देने वाला है, यह प्रशस्य चोदिता कि जो कमजोर व्यक्ति का प्रेरक है, यो ब्राह्मणो चोदिता कि जो स्तुति करने वाले ब्राह्मण होते हैं उनका प्रेरक है, नादमानस्य कीरेह कि जो याचना करने वाले याचक गण आदि होते हैं उनका प्रेरक है, ऐसा युक्त ग्रामणो यो अविता सुसिप्रह सुत सुमस्य कि युक्त ग्रामणो कि जो दो पत्थरों को मिलाते हैं अर्थात जो सोमरस आदि निकालने के लिए जो दो पत्रों को मिलाते हैं ऐसे का अविता रक्षक है, सुसिप्रह जो अच्छी ठोड़ी वाला है ऐसा सुत सोमस्य अविता और जो सोमरस निकालने वाले का रक्षक है, स जनासह इंद्रह कि हे मनुष्यों वह इंद्र देवता है। क्या कहते हैं ऋषि, ऋषि कहते हैं कि जो समृद्ध व्यक्ति का प्रेरक है, जो कृष व्यक्ति का प्रेरक है, जो ब्राह्मण का प्रेरक है, जो अधमान का मतलब होता है जो याचक गण आदि होते हैं उनका जो प्रेरक है, कीरे जो स्तुति आदि करते हैं उनका प्रेरक है, युक्त ग्रामणों जो दो पत्थरों को मिलाने वाले हैं उनका जो रक्षक है, सुसिप्रह अच्छी ठोड़ी वाला है, सुत सोमस्य अविता जो सोम रस निकालने वाले का जो रक्षक है, स जनासह इंद्रः हे मनुष्यो वह इंद्र है। अब देखिए विद्यार्थियों के क्या कहते हैं कि जो इंद्र संपन्न का जो दरिद्र का जो ब्राह्मण का याचक और स्तोता का प्रेरक है अर्थात
उनको अपने अपने कर्मों में प्रेरणा देता है। सुंदर ठोड़ी या होस्टों वाला है। इंद्र सोमरस को चुआने से निमित्त सिलबट्टे को मिलाने वाले सोमरस निकालने वाले यजमान का जो रक्षक है, हे मनुष्यों, वह इंद्र देवता है। अब देखिए ये जो तीन पद हैं इनकी तो व्याकरण टिप्पणी आपको लिखनी है, क्योंकि ये जो पद हैं प्रत्येक मंत्र में मिलते हैं। अब देखिए एक शब्द आया है इसमें चोदिता, चोदिता। आप इसमें लिखेंगे चुद धातु और तिरिच प्रत्यय। इसके बाद देखिए कृषस्य, आप लिखेंगे कृष शब्द है का प्रत्यय षष्ठी विभक्ति एकवचन। इसके बाद छठवां है नादमानस्य, आप लिखेंगे नाद्री धातु प्लस सानच प्रत्यय। षष्ठी विभक्ति एकवचन। और उसके बाद सातवां है ब्राह्मण, आप लिखेंगे ब्रह्म शब्द प्लस मनन प्रत्यय। षष्ठी विभक्ति एकवचन। और उसके बाद आठवां है और आठवें में आप लिखेंगे सुसिप्रह, सु तो आप लिखेंगे सुवनम सिप्रम यस्य सह, और आप लिख देंगे बहुव्रीही समास। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।